नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और दोस्तों, आज अगर आप NCR से देख रहे हैं मेरी वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और सभी भारतवासियों के लिए खुशी का दिन है कि वो पहली ट्रेन सामने आ चुकी है, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की वो पहली ट्रेन जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, दो दिन पहले ही मैंने आपको खबर दे दी थी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड NCRTC के द्वारा जो ये RRTS का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी पहली ट्रेन जो कि बम्बार्डियर को प्रोजेक्ट दिया गया था, फिर उसकी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि बम्बार्डियर से फिर आर्मस्ट्रांग को कैसे मिला, उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखना पड़ेगी। और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 6 मई 2022 को ये रिवील होने वाली है, लेकिन डेट आगे बढ़ाई गई और 7 मई 2022 को गुजरात के सावली प्लांट में, जहां पर आर्मस्ट्रांग बना रही है इस ट्रेन को, वहां पर आज आर्मस्ट्रांग इंडिया के प्रमुख एलन स्पॉर ने हमारे NCRTC के प्रमुख विनय कुमार सिंह को की देते हुए ये ट्रेन लॉन्च कर दी है। और ये ट्रेन जैसी सामने आई, आप लोगों को उन लोगों की खुशी देखकर दिख रहा होगा कि कितने ज़्यादा वो खुश हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट में। और 2023 तक ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से रूप ले लेगा, जहाँ पर ट्रेनें आपको टेस्टिंग मोड में भी दिखने लगेंगी, क्योंकि पहली ट्रेन आ गई तो उसका टेस्ट रन भी जल्दी ही कुछ दिनों बाद होएगा ही, क्योंकि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैंने आपको 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन में जो आखिरी वायडक्ट है उसका काम पूरा होते हुए मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, उसको जरूर देखना। दोस्तों, अब इस ट्रेन की कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 km/h है और 160 km/h की ऑपरेशनल स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। और हर 10 किलोमीटर में लगभग जो रेलवे स्टेशन आएगा उस हिसाब से इसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और इसी कारण से इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 100 km/h तक ही अचीव कर लेगी बहुत आराम से। इसकी जो डिज़ाइन है दोस्तों, वो इंस्पायर्ड है बाय लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में स्थित है। और साथ में दोस्तों, ये 40 मिनट तक का टाइम कट करेगी दिल्ली और मेरठ के बीच में, जिसमें अभी 1.5 घंटे का वक्त लगता है, उसको ये 55 मिनट तक ले आएगी। और ये डेली 8 लाख पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में हेल्प करेगी, और ये ऑफिशियल आर्मस्ट्रांग की वीडियो में आज ही के दिन बताया गया है। दोस्तों, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी इसमें यूज़ करा है। ब्रेकिंग के वक्त ये एनर्जी को सेव ही नहीं करेगी, एनर्जी जनरेट भी कर पाएगी। और पूरी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इसके अंदर ऑटोमेशन का यूज़ किया गया है, जिसमें आपको बहुत सारी नई नई फंक्शनलिटी देखने को मिलेंगी जब भी आप इस ट्रेन में सफ़र करेंगे। साथ ही में दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ETCS हाइब्रिड लेवल 3 का कॉम्बिनेशन करके इसमें सिग्नलिंग सिस्टम का यूज़ हो रहा है, जिसका काम भी आर्मस्ट्रांग को मिला हुआ है। जरूर पिछली वीडियो को देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, दिल्ली NCR की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉल्यूशन की प्रॉब्लम और ट्रैफिक की प्रॉब्लम, इसको हल करेगी ये ट्रेन। लोग इस ट्रेन का यूज़ करेंगे तो ट्रैफिक कम होगा, और साथ ही में 2.5 लाख टन CO2 का एमिशन ये पर ईयर कम करने में सहायक होगी। दोस्तों, ये एक रिसर्च में सामने आया है, आर्मस्ट्रांग ने ये चीज़ मेंशन भी करी है। 2020 में आर्मस्ट्रांग ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा था दोस्तों, जब बम्बार्डियर के थ्रू ये प्रोजेक्ट आर्मस्ट्रांग के पास गया है, और तब से लेकर अब 2022 में ये ट्रेन हमारे सामने है। तो 2 साल के अंदर, जिसमें कोरोना काल का भी बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे ऊपर आया था, तब भी आर्मस्ट्रांग के अंदर काम कर रहे हमारे भारतीय इंजीनियर्स की मेहनत से ये ट्रेन अब तैयार होकर हमारे सामने आ चुकी है। इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब जो काम हो रहा है वो कम वक्त में हो रहा है, लटका नहीं रहता कहीं कहीं सालों तक। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आप लोगों को कैसा लगा बताना। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरा लॉन्च आपको दिखाऊंगा मैं इसमें, और आपका क्या कहना है ट्रेन के बारे में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्वनि के साथ हम इस पल को